हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच, मतलब हम सब के लिए लंच बन जाता है, सुबह एक साथ ही बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं अभी इनके लिए बना रही थी लंच बॉक्स, तो मैंने कहा चलो, वैसे ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही लिया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ना अभी दो तीन दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी सोच रही थी बनाऊं, तो क्या हुआ ना, बना नहीं पाई। क्या मेरे घर पर थोड़े से मेहमान आए थे, तो और किसी को भी नहीं पता है कि मैं इस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाती हूँ। किसी को भी अभी तक नहीं बताया हमने। मैंने कहा जब तक यूट्यूब पर मेरा कुछ थोड़ी सी पहचान नहीं बन जाती, जैसे कि थोड़ी सी बड़ी सी ना सही छोटी सी फैमिली बन जाएगी यूट्यूब पर, तभी मैं सबको बताऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो आज जो है ना, मैं करने वाली हूँ सारे घर की साफ सफाई। मैं अभी भी नहाकर आई हूँ और मैंने दुपट्टा अपने सर पर ऐसे बांधा है। पता है क्यों? क्योंकि ना टॉवल जो होता है ना, वो बार बार गिरता रहता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ, बाहर काम करती हूँ, तो वो बार बार गिरता रहता है, और इस तरीके से मैं दुपट्टा बांध लेती हूँ ना, तो वो ऐसे ही रहता है, इसलिए मैंने बांधा है। तो मैंने कहा अभी ना मैं हॉल की साफ सफाई करना शुरू करूंगी, क्योंकि इनके लंच बॉक्स यहाँ पर बना, थोड़ा मतलब चपाती बनाना बाकी है। तो मैं अभी जाती हूँ बाहर हॉल में, और आज से दिवाली की साफ सफाई शुरू। तो चलिए चलती हूँ, मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में। तो मैं अभी आ गई हूँ अपना घर क्लीन करने के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, आप लोग को पता है। तो दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई है आज से। तो यहाँ पर मैंने ना पहले जाले निकाले थे, फिर मैंने सोचा कि ना पहले जो हमारा जो कबाट है अलमीरा, इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये साफ़ हो जाएगा ना, तो मतलब ये बंद रहेगा तो इसमें कुछ कचरा मट्टी नहीं जाएगी। तो ये देखिए, मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से खाली कर लिया है, फिर उसके बाद में इसको सूखे कपड़े से पहले पोंछ लूँगी, फिर उसके बाद में गीले कपड़े से पोंछूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसमें जो थोड़ी बहुत जो जाले वगैरह लग गए होंगे, काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ है कबाट, और थोड़ी सी धूल मिट्टी भी हो गई होगी, तो यहाँ पर वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और कबाट क्लीन होने के बाद में मैंने यहाँ पर साड़ी लगाना शुरू कर दिया है। और मेरी जो साड़ियाँ, देखो इनकी घड़ी बिल्कुल भी नहीं खुली है, ऐसे के ऐसी हैं, तो मैंने इनको वापस से ऐसे ही रख दिया है। और नीचे वाला जो कबाट है, उसको मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं ना, सब निकाल के वापस से घड़ी लगा के अच्छे से इस्त्री वगैरह लगा के रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ऊपर का जो कबाट है मेरा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, कपड़े वगैरह सब अच्छे से लगा दिए मैंने कावे के मेरे, और यहाँ पर मैंने सब अपने मैचिंग के ब्लाउज भी। तो अभी ना मेरा पूरा कबाट अच्छे से क्लीन हो चुका है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड से भी मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने कपड़े कैसे जमा दिए हैं नीचे भी। ये देखिए, यहाँ की साइड के भी सब कपड़ों की घड़ी लगा के जमा दिया अच्छे से, बस इस्त्री करना बाकी है कबाट। तो बस अब कबाट के कपड़ों की ना इस्त्री लगानी है, और सब साफ़ हो गया है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पे कावे की दवाई वगैरह, जो भी बाम वगैरह तेल वगैरह रखे हैं, इन सबको उतारना है यहाँ से, और यहाँ पर क्लीनिंग करना है। मैं सोच रही हूँ कि ना मैं इसका भी मेकओवर फिर से एक बार करूँ। मैंने ये बनाया था तभी तो सिंपल सा ही बनाया था, तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना अच्छा वाला डिज़ाइन दे देती हूँ अच्छे से, मतलब कुछ बनाती हूँ, कुछ करती हूँ, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। और इसको मैंने पूरी तरीके से खाली कर दिया है, सारी चीज़ें उतार दी हैं, और इस पर ना मैंने ऐसे गत्ते रखे हुए थे, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत रहे, कुछ भी चीज़ें जो वजनदार भी रखेंगे तो गिरे ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी मैं हटा के इसको फिर से एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी, और देखती हूँ इस पर मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, और क्या अच्छा और बना सकती हूँ मैं। इसको मेकओवर करने के बाद देखूँगी कि क्या आइडिया आता है और कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सब क्लीन, तो ये अभी क्लीन हो चुका है अच्छे से। तो मैंने ना अभी सारी जो चीज़ें, मतलब दवाइयाँ कावे की जितनी भी, उनको अच्छे से साफ करके रखना यहाँ पर शुरू कर दिया है। मैं इसका मेकओवर अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि ना आज मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, फिर किचन भी क्लीन करना है, तो बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर मेकओवर करने बैठ गई तो इसलिए मैंने कहा कि अभी जितनी भी चीज़ें मैं वैसे सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको फुर्सत में मेकओवर करूँगी कल, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, दिवाली नज़दीक है, और अभी तक ना कुछ भी, मतलब घर की साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं हुई है, और जो मुझे फरसान बनाने हैं वो भी नहीं अभी तक रेडी हुए हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से ये सब रख दूँगी, अभी क्लीन करके मेकओवर बाद में करूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से सब क्लीन करके सामान फिर से जमा लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने पर्दा भी लगाया है, कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और ये कांच बाकी रह गया है क्लीन करना, तो चलो इसको भी फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए, कांच भी क्लीन हो चुका है, यहाँ पर सब अच्छे से क्लीन हो गया है,
और मैंने सब जमा दिया है अच्छी तरीके से। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर साफ़ करने के लिए। वैसे तो जाले मैंने साफ़ कर दिए थे, फिर मैंने सोचा चलो एक बार फिर से देख लेती हूँ कहीं रह गए होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पर हमारा शीशा आरसा है ना, मतलब आईना रखा है, यहाँ पर पाउडर वगैरह, कंघी वगैरह, मेरी क्रीम, हम सब क्रीम वगैरह यहाँ पर सब सामान रखते हैं। तो मैंने इसको भी सारे सामान निकाल के नीचे रख दिया है, और इसके भी जो थोड़े बहुत जाले होंगे, इस पर धूल मट्टी बस गई हो बैठ गई होगी, तो वो सब भी क्लीन कर लूँगी मैं। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर से इसको ऐसे ही सेट कर दूँगी, वैसे ही जमा दूँगी, सारा सामान रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि ये पर्दे वगैरह निकालने हैं मुझे क्लीन करने के लिए, देखते हैं अभी। और ये जो रेड वाले पर्दे हैं ना 3D वाले, ये मैंने अभी ही क्लीन किए थे, तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको भी निकाल के क्लीन कर लूँ या फिर बाकी के ये जो पर्दे हैं यही से क्लीन करूँ। तो यहाँ पे चादर भी निकाल लिया मैंने धोने के लिए, क्योंकि अब मैं चादर भी धोने के लिए रखूँगी और दिवाली के दिन यही चादर मैं रखूँगी। और मुझे ना और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बेडशीट खरीदने जाना है, तो यहाँ पर मैंने सब साफ़ सफाई कर। अभी ना मैं मंदिर क्लीन करने वाली हूँ, तो मैंने सारे भगवान जी की फ़ोटो जो है वो नीचे रख दी है। और ये देखिए मेरा मंदिर क्लीन हो चुका है, और मैंने फिर से अच्छे तरीके से सब सेट कर दिया है। भगवान जी को स्नान करा के कपड़े पहना कर उन्हें अच्छे तरीके से बैठा दिया है। तो ये देखिए मंदिर भी हो गया है मेरा साफ़। और अब जो है बेड के पीछे ना बहुत ज़्यादा कचरा गिर जाता है, क्योंकि काव्य कुछ भी चीज़ें गिरा देती है, अपने खिलौने भी गिरा देती है। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी निकाल देते हैं, यहाँ से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि दिवाली की जो है सफाई हो रही है घर में मेरे, तो पूरी तरीके से एक एक कोना कोना साफ़ होगा घर का। तो इसीलिए मैंने पूरी घर को अच्छे से क्लीन किया है। तो यहाँ पर भी मैं अभी क्लीन करी, और देखो काव्या बीच बीच में खेल रही है वो, और मैं उसको कह रही थी कि धूल मिट्टी है काऊ जरा दूर रहो, लेकिन वो सुनती नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर साफ़ करने के बाद मैंने बेड फिर से ठीक से रख दिया अपनी जगह पर, और अब मैं इसको अच्छे से एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और फिर बाद में गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से पूरा घर का कोना कोना क्लीन कर रही हूँ। फिर उसके बाद में साफ़ सफाई होने के बाद मैंने यहाँ पर चादर रख दी है, दिवाली वाले दिन बाद में दूसरी चादर लूँगी। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। ये देखो काव्या और मैं अभी नहा कर आए हैं, और ना इसको अभी ठीक नहीं लगा, इसने अपनी काजल सब पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी और ये खेल रही थी ना, अभी इसके साथ बेड के पीछे डाल दिया होगा, बाद में निकालूंगी मैं। और मेरे घर की सारी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है, साफ सफाई अभी पूरा घर साफ हो गया है, चादर वगैरह सब मैंने बिछा दिया, और जो मैं दिवाली वाले दिन डेकोरेट करूंगी ना बस वही बाकी रह गया है, बाकी सब काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करंजी और चकली वगैरह बनाना है। तो अभी ना पता है घर की पूरी साफ सफाई करते करते अभी कितने बज गए, 2 बज चुके हैं। मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग तो स्टार्ट कर, मतलब स्टार्ट तो है कब से, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और ये देखो काव्या अभी नहा कर आई, उसने टीका नहीं लगाया हूँ, काव्या ने टीका वगैरह कुछ नहीं लगाया, देखो ऐसे ही बैठी है। काव्या ने घुमा दिया, अरुण डकलस ना तू तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। मैं ना मार्केट से कल ये लेकर आई थी, मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, चलो मैं आप लोग को अभी दिखाती थी इस बार किस तरीके के लेकर आए हैं। पिछली बार ऐसे नहीं लेकर आए थे, पिछली बार ना अलग दूसरे वाले थे, वो मैं आप लोग के साथ शायद शेयर भी कर चुकी। काव्या दिखाएगी, काव्या दाखो, ये देखिए ये ना स्वास्तिक है, और लक्ष्मी जी के जो पैर है ना वो लेकर आएंगे, ये लक्ष्मी जी के पैर। और आपको पता है कितने के हैं, ये 50 रुपीस में लिए है दोनों, नहीं एक, तो फिर हमने बोला फिर उसने 10 रुपए कम किए थे, तो ये भी है। और ये देखिए ये दिए लेकर आए हैं, और इस बार ना ये वाले दिए लेकर आए, हम पिछली बार मोमबत्ती के जो कैंडल होते हैं ना वो लेकर आए थे, इस बार इस तरीके के लेकर आए हैं। और पिछली बार सादे वाले दिए लिए थे और कैंडल वाले लिए थे, इस बार इस तरीके के लिए हैं। ये 12 है, अच्छे लग रहे ना, मैंने सोचा था कि सादे वाले लेकर आएंगे और फिर ना मैं डेकोरेट करूँगी, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और ये फिर इस तरीके के लेकर आ गए, तो मैंने कब जाने दो, ये लेकर आ गए हैं। तो फिर चलिए फिर मैं, और आज जो है मैंने दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया है, तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, और अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो
प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है वो और भी अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ, क्योंकि अभी आप लोग को पता है दिवाली स्पेशल ब्लॉग आने वाले हैं। दिवाली है और इसी महीने में मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो बर्थडे स्पेशल ब्लॉग भी आएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।